हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और न्यू ब्लॉग में। आप सभी ने तो बिहार का नाम सुना ही होगा, तो आज हम बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से आप काफ़ी लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे, जैसे में तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस व तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। लेकिन आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय के इतिहास। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें विश्वविद्यालय में मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस विश्वविद्यालय को किसने जलाया। सन 1199 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास सभी को जानना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसोंग और इतिसिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपने राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना जोर आलम जोर दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखने से है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की एक खास बात थी, इस विद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन या कोई भी सामग्री का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाओं निःशुल्क थी। राज्य और धनी सेठ द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का परिचालन चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय
प्राप्त होती थी। तो ये थी कुछ नालंदा विश्वविद्यालय की इतिहास। तो मिलते हैं हम अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो लाएं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।